सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में और आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल में वैकेंसी आई है। इसके राउरकेला स्टील प्लांट में जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ वैकेंसी आई है जूनियर मैनेजर सेफ्टी की, इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, साथ ही ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है। आज हम इन्हीं वैकेंसी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। साथ ही हम आपको बता दें कि जो डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स हैं जिनके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में उनके लिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी भर्ती निकाली हुई है, 1477 पोस्ट हैं और उनमें भारत के किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जनरल कैटेगरी में, तो आप उस वैकेंसी में भी फॉर्म अवश्य डालें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सेल में जो वैकेंसी आई है जूनियर मैनेजर सेफ्टी की, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की और बॉयलर ऑपरेटर की। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 5 नवंबर 2018 और लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2018। डेट एक बार फिर सुन लीजिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 5 नवंबर 2018 और लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2018। अब बात करते हैं वैकेंसीज की। तो वैकेंसी आई है, पहली आई है जूनियर मैनेजर सेफ्टी की, इसमें 7 वैकेंसी हैं और इसकी लेवल है E1। 7 वैकेंसी में 1 SC की, 1 OBC की और 5 जनरल की वैकेंसी है। वही बात करेंगे हम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, तो इसकी 170 पोस्ट आई हैं। मैकेनिकल की आई हैं 70 पोस्ट, मेटलर्जी की हैं 55, इलेक्ट्रिकल की हैं 20, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 17 और इंस्ट्रूमेंटेशन की हैं 8। इस प्रकार टोटल वैकेंसी 170। वहीं बात करें हम बॉयलर ऑपरेटर की यानी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर की, इसकी 28 वैकेंसी आई हैं और इसकी लेवल है S3। अब बात कर लेते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस मांगी गई हैं। तो जूनियर मैनेजर सेफ्टी E1 के लिए आपकी एज होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल और ये 4 दिसंबर 2018 को काउंट होगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है कि आपके पास फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए किसी ब्रांच में इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में और साथ ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास हो किसी फैक्ट्री में कम से कम 2 साल का इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद। इसके अलावा आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से और आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये प्लांट उड़ीसा में है और ज़्यादातर जो वर्कर हैं वो उड़िया बोलते हैं तो आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। मिनिमम परसेंटेज जो मांगी है BE/BTech में वो मांगी है 65% जनरल OBC के लिए और 55% ST/ST और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, तो इसमें जो डिसिप्लिन है वो है मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन। एज 18 से लेकर 28 साल और ये 4 दिसंबर 2018 को काउंट होगी। इसके लिए आप 10th पास हो और आपके पास 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा हो इंजीनियरिंग में रिलेवेंट डिसिप्लिन में यानी मैकेनिकल में, मेटलर्जी में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में। और जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ लेटरल एंट्री या फिर इक्विवेलेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है और साथ ही इस पोस्ट के लिए उड़ीसा भाषा की जानकारी आवश्यक नहीं है। तो आपकी लैंग्वेज कोई भी हो आप आवेदन कर सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए एज 18 से लेकर 30 साल, इसके लिए आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में, पावर प्लांट में, प्रोडक्शन में या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में और फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इन दोनों पोस्ट के लिए आपके डिप्लोमा में यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जनरल कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स, SC/ST/PWD और डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के 40% मार्क्स होने चाहिए। यानी आपके डिप्लोमा में जनरल OBC वाले हैं तो 50% और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं SC/ST हैं उनके लिए 40% होने अनिवार्य हैं दोनों पोस्ट के लिए। और आपकी कोई भी लैंग्वेज है आप आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए उड़िया भाषा मांगी गई है। इन दोनों पोस्ट के लिए उड़िया भाषा की बाध्यता नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज है आवेदन कर सकते हैं। साथ ही एक चीज और हम आपको बता दें कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं एज एक्सपीरियंस आदि उनके पास अगर नहीं है 4/12/2018 तक वो आवेदन न करें। बात करें हम एज रिलैक्सेशन की, तो SC/ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, बाकी कैटेगरी को एज पर रूल रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पक्स की यानी आपको कितना वेतन मिलेगा। तो जूनियर मैनेजर सेफ्टी को 20,600 से 40,500 वाले ग्रेड में रखा जाएगा और जब उनकी 1 साल कंप्लीट हो जाएगी तो उनको 24,900 से 50,500 वाले ग्रेड में रखा जाएगा। साथ ही जो भी अलाउंसेज हैं वो सब आपको मिलेंगे। वहीं बात करें हम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन यानी बॉयलर ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए 16,800 से 24,110 वाले ग्रेड में आपको सेलेक्ट किया जाएगा और ये पे रिवीजन होने वाली है, कुछ दिनों में रिवाइज हो जाएगी, उसी के अनुसार आपको सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी। वहीं टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए आपको 2 साल की ट्रेनिंग पे रखा जाएगा
और ट्रेनिंग के दौरान पहले साल आपको 10,700 रुपये महीने और दूसरे साल 12,200 रुपये महीने मिलेंगे। जब आप सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे आपको 16,800 से 24,110 वाले ग्रेड में सेलेक्ट किया जाएगा। साथ ही जो भी अलाउंस है वो सब आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या मांगे गए हैं। तो जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए मेल की बात करें तो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, वेट होना चाहिए 45 किलोग्राम मिनिमम और चेस्ट होनी चाहिए 72 सेंटीमीटर बिना फुलाए या 75 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 143 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 35 केजी और चेस्ट 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। साथ इनका चेस्ट मेजरमेंट भी होगा फीमेल का 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वहीं अगर हम आई साइट की बात करें डिस्टेंट विजन की तो 6x9 विद और विदाउट ग्लास मान्य होगी सही आंख की और 6x6 से लेकर 6x12 तक मान्य होगी विद और विदाउट ग्लासेस दूसरी आई की। नियर विजन जो है वो आपकी पावर प्लस माइनस 4.0D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कलर विजन की अगर हम बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो एक डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। बायनोकुलर विजन रिक्वायर्ड है और जो सर्जिकली ऑपरेटेड और करेक्टेड स्क्विंट हैं यानी जिन्होंने आँखों का भेंगापन सही कराया है ऑपरेशन द्वारा वो स्वीकार है। हियरिंग पैरामीटर की हम बात करें तो आपकी हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। 30 डेसिबल तक स्पीच फ्रिक्वेंसी रिलैक्सेबल है। ट्रेनी और जो टेक्नीशियन बॉयलर की वैकेंसी आई है ऑपरेटर की उनके लिए हाइट है मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, वेट कम से कम 45 किलोग्राम और चेस्ट मिनिमम 75 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 79 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। वहीं फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वजन 35 किलोग्राम कम से कम और चेस्ट कम से कम 70 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 73 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। बात करें हम विजुअल पैरामीटर की तो डिस्टेंट विजन होनी चाहिए 6x12 विद और विदाउट ग्लासेस और नियर विजन J1 या N6 दोनों आंखों का। ग्लासेस की पावर है वो प्लस माइनस 4.0D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कलर विजन की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो एक डिस्क्वालिफिकेशन मानी जाएगी। बायनोकुलर विजन में बायनोकुलर विजन अनिवार्य है और सर्जिकली ऑपरेटेड और करेक्टेड स्क्रीन जो है वो एक्सेप्टेबल हैं। सुनने की क्षमता आपकी नॉर्मल होनी चाहिए और ये 30 डेसिबल तक रिलैक्सेबल है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में अपेयर होना होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। साथ ही उनकी उड़िया लैंग्वेज की जानकारी भी इसी टेस्ट में चेक की जाएगी और टेस्ट होगा आपका 2 घंटे का। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए 50% और SST OBC के लिए 40% होंगे। कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो वेटेज होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का वो होगा 80 और 20 का। यानी आपके रिटन टेस्ट में जितने मार्क्स आएंगे उसका 80% और इंटरव्यू के 20% मार्क्स काउंट किए जाएंगे। वहीं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के लिए अपेयर होना होगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगा और 2 घंटे इसका समय होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिटन टेस्ट के लिए सामान्य के लिए 50%, SST OBC के लिए होंगे 40%। कैंडिडेट्स को 1:3 के रेशियो में स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और ट्रेड टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, गुणों के बेसिस पे होगा और फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो रिटन टेस्ट के बेस पर होगा। बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर की। तो टेस्ट सेंटर जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए सिर्फ राउरकेला में होगा। वहीं जो बाकी पोस्ट है ट्रेनी की और बॉयलर ऑपरेटर की उनके लिए होगा राउरकेला में, भुवनेश्वर में, कटक में और संबलपुर में। बात करें हम रिजर्वेशन की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार SST OBC को रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस 500 रुपये है जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए और 250 रुपये है टेक्नीशियन ट्रेनी और बॉयलर ऑपरेटर के लिए। SST PWD एक्सेसमेंट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई भी फी पे नहीं करनी है। अब बात कर लें फीस पेमेंट की। तो फीस का जो पेमेंट है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगा। आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑफलाइन चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान आप 5/11/18 से लेकर 4/12/18 तक बैंक में जमा करा सकते हैं। ऑनलाइन फीस का पेमेंट भी 5/11/18 से लेकर 4/12/18 तक होना है। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन है, आप www.sale.co.in पे जाके वहाँ कैरियर सेक्शन में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही जो कैंडिडेट जूनियर मैनेजर सेफ्टी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस की स्कैन कॉपी अपलोड करेंगे। तो फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन को अगर हम ब्रीफ में देखें तो आप पहले सेल की वेबसाइट पर जाएंगे sale.co.in पे या फिर salecareers.com पे, वहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट को देखने के बाद। उसके बाद आप जहाँ भी जो भी सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड मांगे हैं आप उनको स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद आप फीस का पेमेंट करेंगे जनरल OBC कैंडिडेट्स हैं तो, और उसके बाद आप फाइनल रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका प्रिंटआउट निकाल के रखेंगे। भरा हुआ आवेदन पत्र और फीस की जानकारी है वो आप प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख ले, आपसे कभी भी मांगा जा सकता है। और दोस्तों डेट हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट है 5/11/18 और लास्ट डेट है 4/12/18। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।